वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी सिम को अगर पोर्ट करवाना चाहते हैं तो उस सिम में आप मैसेज कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, जैसे कि जिस सिम से आपको मैसेज करना है और जिसको पोर्ट करवाना है उसमें आपको मैसेज करने के लिए बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जियो का है तो जियो में ऐसे ही 100 मैसेज का तो मिलता ही है, तो हमें 100 मैसेज के लिए इसमें मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने मैसेजिंग ऐप में, और मैसेजिंग ऐप में जाने के बाद हम किस तरीके से टाइप करते हैं ये आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, 2 में आपको जिस नंबर पे मैसेज भेजना है वो नंबर यहाँ पे टाइप करना है, तो हमें 1900 पे सेंड करना है। तो इस पे सेंड 2 पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है PORT पोर्ट करके। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें जिस नंबर को आपको पोर्ट करवाना है उस नंबर को यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप करते हैं, तो चलिए हम आपको टाइप करके बताते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे SMS का ऑप्शन आ रहा है सेंड का, तो जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगी, और आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इंतज़ार करेंगे, इसके बाद आपको एक रिप्लाई का मैसेज आएगा, और वो जो OTP आपके पास आएगा वो OTP आप ध्यान से रखेंगे। वो OTP सिर्फ आप जानेंगे और दुकानदार जानेंगे, और तीसरा किसी को नहीं देंगे। और टाइप कैसे करना है वो भी ध्यान दे देंगे। टाइप आपको करना है PORT, दोनों सब कैपिटल में ही आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप जैसे मैसेज को भेजेंगे तो कुछ देर इंतज़ार करना है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगी, इसके बाद वो OTP आप दुकानदार को देंगे, और जहाँ से आपको सिम रिप्लेस कराना है वो आपको नई सिम जिस भी कंपनी का आपको लेना चाहते हैं वो कंपनी का सिम आपको दे देगा। तो हमने इसमें यही बताने की कोशिश की कि कैसे आप करेंगे पोर्ट, तो पोर्ट के लिए मैसेज कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।